दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल अपडेट, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, लगातार आप सभी कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपके वीडियो लेखपाल पर नहीं आ रही है। बिल्कुल हम आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। जैसा कि आज के जो अपडेट्स जा रही है आपके बीच में, एक महत्वपूर्ण अपडेट साबित होगी। अगर आप नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके संघर्ष की बातें कही गई हैं। आपको क्या कुछ कैसे करना है हम आपके बीच में चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है राजस्व परिषद सचिव का बयान, आज अभ्यर्थियों से क्या कहा। जाहिर सी बात है, जितने भी नवचयनित लेखपाल भाई बहन हैं, सभी लोग लगातार देखा जाए तो राजस्व परिषद का रुख कर रहे हैं, और वहाँ के जो सचिव जी हैं उनके द्वारा लगातार अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही आश्वासन दिया जा रहा है। क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। नियुक्ति पत्र के लिए एक बड़ा संघर्ष, संघर्ष शब्द को मैंने सबसे बड़ा लिख रखा है, क्योंकि बिना संघर्ष किए बाबू आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये सरकार ऐसी है जो है, सरकार पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं है। अगर आपके फेवर में होती तो आपको कब का नियुक्ति पत्र मिल गया होता। आपको पता है 29 अप्रैल को फाइनल सुनवाई आपके इस मामले को लेकर लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो आप अर्जेंसी की मांग भी लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार अर्जेंसी लगाकर मामले को पहले सुना जाए। अब जरा सा विचार करें, इतने दिन हो गए अभी तक आपकी अर्जेंसी नहीं लगी, तो अब 10 दिन के अंदर आपकी अर्जेंसी तो नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ चार जगहों पर आपको पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है। देखिए, चार जगहों पर भेजा जा रहा लेटर, लेटर क्या है अभी चार के चारों लेटर को हम दिखाएंगे कि आपको कहाँ कैसे किस आधार पर भेजना है, ठीक है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन जहाँ आपके हित की बात हो वहाँ दो चार मिनट देना आपके लिए बिल्कुल वो गलत बात नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हम आपको इस लेटर को दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि लेखपाल भर्ती के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए हम आपको इस लेटर से रूबरू कराते हैं। देखिए, आपके बीच में वो अपडेट्स लगी हुई है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। विषय के रूप में आप थोड़ा सा अच्छी तरह से परिचित हो जाइए। विषय में कहा जा रहा है कि विषय लेखपाल भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित वाद एम ए यानी कहा जाए मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 276/2024 और SPLAD जो है 25/828/2023 की पैरवी हेतु। अब यहाँ कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए महोदय, इस पत्र के माध्यम से आपको ध्यान या आपका ध्यान लेखपाल भर्ती की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा 7,897 नवनियुक्त लेखपालों को 23 फरवरी को जो है नियुक्ति पत्र का वितरण जो है कार्यक्रम प्रस्तावित था, किंतु सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगने के कारण जो है कार्यक्रम स्थगित हो गया। समस्त जिलों में समस्त कागजी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। पहले या दूसरे जगह जो है सरकारी सेवा में कार्यरत सैकड़ों संख्या में लेखपाल साथियों द्वारा रिजाइन दिया गया है। लगभग सभी द्वारा तहसील में योगदान आख्या जमा कर दिया गया था। इन अब जो है अनेक जिलों में काम भी कराए गए, एग्जेस्टिक के कुछ मेहनताना भी मिल चुका है, किंतु स्टे से सब कुछ ठप हो गया। आगे कहा जा रहा है महोदय, जो है सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी के आदेश में हाई कोर्ट में लेखपाल भर्ती में उत्तर कुंजी से संबंधित जो है लंबे समस्त मामले को निपटाने को कहा गया था। हम सभी छोटा सा ग्रुप बनाकर कुछ चंदा इकट्ठा करके हाई कोर्ट में थर्ड पार्टी बनकर 17 केसेस को निपटाने में यूपी ट्रिपल एससी का सहयोग किया। आगे कहा जा रहा है हाई कोर्ट की चार रीट को याचियों से बात करके विड्रॉल भी करवाया गया। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने थे, वहाँ भी हम लोग सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम, विपिन सांघी सर व सूर्य नारायण सिंह सर को केस की पैरवी के लिए हायर किया। महोदय, 22 मार्च व 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट लगे, किंतु नंबर आने पर भी स्टेट की तरफ से एडवोकेट के न रहने पर सुनवाई न हो पाई। वहाँ एडवोकेट की फीस
जो है प्रत्येक सुनवाई पर देना पड़ता है। हम सभी चयनित बेरोजगार अब और केस लड़ पाने में सक्षम नहीं है। आगे हम सभी की आजीविका व जीवन निर्वहन पर संकट है। अंत में हम आपसे आखिर में लोकतांत्रिक रूप से ध्यान जो है धरना व आपनर अनशन का रास्ता बचता है 8 अप्रैल को। यदि जो स्टेट एडवोकेट रहते हैं तो फैसला आ जाता। सुनवाई की अगली तिथि 29 अप्रैल निर्धारित है। महोदय विनम्र निवेदन है कि 29 अप्रैल को जो है लेखपाल भर्ती की सुनवाई को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी ट्रिपल एस सी के एडवोकेट SGI तुषार मेहता सर दोनों सुनवाई में जो है मेहता सर व अन्य केस में व्यस्त थे। तुषार सर के व्यस्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा उपस्थित होकर भर्ती पर स्टे हटवाकर हम सभी बेरोजगारों को नियुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त करें। यदि स्टे न लगा होता तो हम सभी लेखपाल 3 महीने से सेवा दे रहे होते। वर्तमान में सभी सामाजिक व आर्थिक मानसिक अवसाद से पीड़ित है। महोदय उपरोक्त प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित वाद यहां देख सकते हैं। मैं पैरवी हेतु उचित निर्णय लेते हुए हम सबके कष्टों को जो है निस्तारित करने की कृपा करें। हम सब आपके सदा आभारी रहेंगे। बाकी यहां देख सकते हैं सेम मैटर यहां भी लिखा गया है। इसमें आपको अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट यहां हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए सबसे ऊपर वाला जो लेटर था, देखिए सबसे ऊपर वाला जो लेटर है वो मुख्य सचिव को भेजा जा रहा है। अगला जो लेटर यहाँ देख सकते हैं सेवा में जो है चेयरमैन राजस्व परिषद, ये लेटर जो है चेयरमैन साहब को भेजा जा रहा है राजस्व परिषद के, ठीक है। और अगला लेटर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा जा रहा है। देख सकते हैं सेवा में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये वाला लेटर भेजा जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के चेयरमैन को, ठीक है। तो लगातार हम सभी के द्वारा ये अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कल से इस लेटर को आप भेजने का कष्ट जरूर करें, ठीक है। आप अपने स्तर से देख लीजिए कहाँ कैसे किसे भेजना है, ठीक है। अगर इस PDF की ज़रूरत आपको है तो टेलीग्राम की चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इस PDF को आप प्राप्त कर लीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप अपने स्तर से जाइए, डाक के माध्यम से भेजिए, क्योंकि आचार संहिता प्रभावी है। हम आप पहुंच तो सकते नहीं हैं, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि भैया डाक से हम अपने लेटर को भेजने का प्रयास करें, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। जो लोग मांग कर रहे थे अर्जेंसी की, अर्जेंसी आपकी नहीं लगेगी। 29 अप्रैल डेट फिक्स है, 29 अप्रैल को ही फाइनल सुनवाई आपकी होगी। उसके संदर्भ में जो भी होगा ये पहले प्रयास है, पहले आप प्रयास करिए, बाकी जो रिजल्ट होगा वो तो चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।